नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी ग्राम पंचायत सहायक में भर्ती लेना चाहते हैं, आज मैं उन सभी छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप सबको इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ कि ग्राम पंचायत में आई बहुत बड़ी खुशखबरी, आप कितनी कितनी मिलेगी सैलरी और कार्यकाल, क्या आपके कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे और कैसे बढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि 10वीं 12वीं में इतने नंबर्स वालों की नौकरी पक्की। तो कितने नंबर्स आप लाते हो ताकि आप सबकी नौकरी पक्की हो सके, तो सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल से लाइव प्रूफ बात करेंगे। बस आप सबको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडलाइन में यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है, आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, अपने खुद से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यूपी पंचायत सहायक जाने कब तक हो सकती है परिणामों की घोषणा और कितने दिनों में हो जाएगी नियुक्ति। और मैं आपको बता दूँ, इस आर्टिकल में सब कुछ बताया गया है, सैलरी क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, और आपको ये भी बताया गया है कि क्या आपके कार्यकाल कब तक बढ़ाए जाएंगे। तो सब कुछ इस आर्टिकल में सब कुछ प्रॉपर बताया गया है। मैं आपको सब कुछ विस्तार से मैं प्रॉपर पढ़ के भाई सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं आपको मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडलाइन से मैं पढ़ के स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट का इंतजार है। गौरतलब की राज्य सरकार ने पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए जरिए नहीं बल्कि उसके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर किया जाना है। साथ ही अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ पे छोड़िए इसको, यहाँ पे कुछ एड्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कब तक हो सकती है मेरिट लिस्ट की घोषणा। तो यहाँ पे आपको मैं सब कुछ यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के इन 58,189 पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब मेरिट लिस्ट के जारी होने का इंतजार है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन उनके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार किए गए हैं मेरिट लिस्ट में किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। ये कंफर्म हुआ आपको, 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। अधिसूचना के मुताबिक 24 से 31 अगस्त के बीच मेरिट लिस्ट जारी तैयार किया जाएगा और फिर उसे जिलाधिकारी के द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस समिति द्वारा मेरिट लिस्ट 1 से लेकर 7 सितंबर के प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक बीच परीक्षण किया जाएगा और फिर सफल अभ्यर्थियों का नाम मुहर लगाया जाएगा। तो 1 से 7 दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कब तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया गया है कि इस भर्ती में सभी पैमानों पर खरे उतरने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। अधिकारी का अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र उन्हें 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 8 से लेकर 10 सितंबर तक के बीच आपका नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, कैसे होगी नौकरी की प्रवृत्ति। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि इसी भर्ती में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी देना, मतलब सैलरी प्रदान की जाएगी। पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर होने वाली ये नियुक्ति अस्थायी होगी और अभ्यर्थियों को इन पदों पर 1 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। हालांकि सही तरीके से कार्य करने पर इसी अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन यहाँ पे है, लगातार इस अगर सही से आप कार्य करते हैं तो आपकी नियुक्ति को बढ़ाया भी जाएगा और आपकी अगर आपकी नियुक्ति बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका सैलरी बढ़ा जाएगा, क्योंकि बिना विदाउट नियुक्ति के सैलरी, बिना सैलरी बढ़े तो उसका सैलरी डेफिनेटली आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का रूल है। तो डेफिनेटली जैसे ही यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर जैसे ही आपका यहाँ पर आपका अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी अवधि बढ़ाई जाती है तो आपका सैलरी डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका नंबर्स कितने वालों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर्स आपके हैं सिलेक्शन होगा, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या मैं बता दूँ। मान लीजिए ये जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है, ये आपके गाँव के हिसाब से हो रही है, ना कि पूरे ये जिले के या पूरे राज्य के हिसाब से नहीं हो रही है। मान लीजिए आपके गाँव ग्राम से
आपके ग्राम से मान लीजिए 10 गांव होते हैं, टोटल 10 गांव होते हैं, तो 10 गांव से मान लीजिए 10 व्यक्ति आवेदन किए हैं, 10 आवेदन किए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 10 आवेदन में से सब मान लीजिए पहले वाले व्यक्ति का नंबर जो है 70% है, ओके, 10वीं में, और 12वीं मान लीजिए इनका 75% है, 75% ये पहले वाले व्यक्ति का, और 10वें वाले व्यक्ति जो है उनका मान लीजिए 10वीं में है 85 है, और जो 85 है और उनका मान लीजिए 12वीं में 70 है, 65 है, मान लीजिए 65 है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि अब किसका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे, तो अब किसका सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साफ साफ बता दूँ मैं आप, तो जिस बच्चे का सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा उसी का सिलेक्शन लिया जाएगा। एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए आपकी 12वीं में मान लीजिए आपके 75% हैं 12वीं में कि एक किसी व्यक्ति का, और आपका है 65% 10वीं में, ओके। उसके बाद जो एक व्यक्ति है, जो 10वां वाला व्यक्ति है, उसका मान लीजिए 12वीं में है 76% और 10वीं में, और 12वीं में उनका आ चुका है 85%। अब सिलेक्शन किसका होगा, यहाँ पे अब तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम मेरिट बन रहा है, सेम मेरिट, इनका भी सेम मेरिट, इनका भी सेम मेरिट, इनका इसमें हाई है, इनका इसमें हाई है, इनका इसमें लो है, इसमें इनका हाई है, तो मेरिट जब अगर सेम बनेगा तो इसमें जानते क्या होगा, इसमें ये लिया जाएगा कि आप किस सन में अपना ईयर्स किस सन में आप कंप्लीट किए हो, मतलब आप 10वीं 12वीं किस सन में कंप्लीट किए हो, यहाँ पे ये भी मुद्दा आ सकता है कि 10वीं 12वीं आपने किस सन में कंप्लीट किया है। अगर आप 2013 से लेके 15 2013 से लेके 15 के बीच में अगर आपने कंप्लीट किया है, 2013 से लेके 15 के बीच में कंप्लीट किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, एनदर अगर आप 18 20 17 16 में किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। इस प्रकार से भी मेरिट बनेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या हुआ था, जो 2010 से लेके 13 के बीच में छात्र थे 15 के बीच में, उनका जो मेरिट लिस्ट था उस समय प्रैक्टिकल शायद नहीं चलता था, इसीलिए उनका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आएगा अगर ऐसा होता है तब, क्योंकि कंडीशन तो कुछ भी अप्लाई हो सकता है, वहाँ तो आप बैठे नहीं हो कि आपका हाई है तो मतलब आपका ही होगा, तो आप बहुत से बच्चों का क्या होता है 12वीं में ज़्यादा नंबर्स होते हैं, 10वीं में कम होते हैं, बहुत से लोग के 10वीं में ज़्यादा होते हैं 12वीं में कम होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका 10वीं में ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा उनके अनुसार से बनेगा। तो अगर आपको मैं बता दूँ, और कल वाले वीडियो में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगी थी, तो जब वो डॉक्यूमेंट मांगी थी तो मैंने आपको बताया था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, तो बहुत से बच्चे क्या हुआ था वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे फेक न्यूज़, क्योंकि मैंने अपने मन से तो नहीं बताया था, वहाँ पे आर्टिकल में लिख के आया था कि इन सब डॉक्यूमेंट जिन नहीं लगा रहेगा उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, वहाँ पे आर्टिकल में लिखा था, लेकिन बच्चे बोलने लगे कि ये फेक न्यूज़ है, और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट देना है ये आने के बाद देना है, तो भैया मेरे को आप बताओ कि अगर वो आने के बाद देना, मतलब फॉर्म आने के बाद देना है तो आपको निरस्त क्यों करा जाएगा आपका, तब जब आपका वहाँ पे निरस्त करने की बात हो रही है कि आपका फॉर्म जो ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, तो अगर आपने फॉर्म दिया है तो आपका तो क्यों तब तो निरस्त करना ही होगा, अगर आपने नहीं दिया रहेगा तो डेफिनेटली आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है कौन कौन से फॉर्म डॉक्यूमेंट मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है तो प्लीज़ आप आई बटन पे मिल जाएगा और वहाँ से देख सकोगे, ओके। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं कोई भी छोटी बड़ी अपडेट लेके आऊँ तो मैं आप सबको अपडेट करा सकूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ओके।